दोस्तों, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अगर हम बात करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और सबसे ज्यादा बात तब आती है जब वो एक महिला ना होकर एक लड़की हो, यानी कि उसकी उम्र कम हो। दोस्तों, अक्सर 15 साल से लेकर 40 साल तक की लड़कियों या महिलाओं के साथ अक्सर कुछ ऐसा हो जाता है या ऐसा किया जाता है हमारे समाज में, दुनिया में, उनके घरों में, उनके आसपास में, जिसे देखकर सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं और सोचते रह जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, एक ऐसी ही खबर हम आज आपके लिए फिर से लेकर आए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही शेयर इसलिए करना है ताकि ऐसा दोबारा ना हो सके। दोस्तों, 8 महीने तक 22 साल की एक लड़की को बंधक बनाकर कर रहे थे रेप, फिर उसे बेच दिया 3 लाख रुपए में। बरनाला से आ रही है खबर। पंजाब के बरनाला शहर में एक बार फिर इंसानियत हुई है शर्मसार। 22 साल की एक लड़की को 8 महीने तक बंधक बनाकर रखा, उसका रेप किया गया और 7 लोगों में से एक शिरोमणि अकाली दल का नेता भी है। बाद में इस लड़की को 3 लाख रुपए में बेच दिया गया। पुलिस द्वारा पीड़िता को डराने और धमकाने के आरोप में 3 थानेदार भी सस्पेंड हुए हैं। पुलिस ने मेडिकल टेस्ट भी कराया है। मजिस्ट्रेट के द्वारा पीड़िता के बयान दर्ज किए गए हैं। पीड़िता एवं उनके परिजनों ने सभी आरोपियों को धमकी देने वाले पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। यहाँ पर आपको बता दें कि 24 जून 2020 को किराए पर रहने वाली महिला, उनकी बहन को बहला फुसला कर एक नेता के भाई के घर ले जाया गया। वहाँ पर शिरोमणि अकाली दल का एक नेता था, कुछ बाबा थे, कुछ महिलाओं सहित 20 से 25 लोग थे। उस लड़की को कोल्ड ड्रिंक पिलाया गया। उसके बाद उसे जब होश नहीं रहा तो उसके साथ रेप किया गया। लगातार उसे बांध कर 3 दिन एक गाँव में रखा और उसके बाद